हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मोर लाइट प्रोडक्ट डिजाइनिंग। दोस्तों, मैं ये जस्ट एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कैप का मोल्ड कैसे बनते हैं। ये फ्लिप टॉप कैप है, मैंने पहले भी मतलब कि टू पीस में कैप बनाई थी जिसका कैप अलग थी और ये अलग था। ये सिंगल पीस में कैप है, फ्लिप टॉप कैप। ये थ्रेड है हमारा, ठीक है जी। ये सब कुछ बताया जाएगा, ये चीज़ मैंने क्यों बनाई है, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया हमारा और मूविंग हाफ में देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि काम वर्कलोड ज़्यादा है, तो ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की, ठीक है जी। ये हमारा सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर से मैंने इसको चलाया है, ठीक है। ये मूविंग हाफ हो गया, ये कैप है। तो इसका जस्ट सिंपल सब ब्रीफ दे देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है। मूविंग हाफ हो गया, ये हमारा फिक्स्ड हाफ हो गया, रनर हो गया। ये सबमरीन गेट दे दिया मैंने इसमें, ठीक है जी। ये इजेक्टर पिन है दोस्तों कैविटी की तरफ। ये बताऊं मैं कैसे वर्क करते हैं, हर चीज़ का यूज़ बताऊंगा आपको। एक फोर सब इंसर्ट है जिस पे थ्रेड है, ये रोटेट होगा। ये बियरिंग हो गया, ये बियरिंग प्लेट होगी जिसमें बियरिंग लगे होंगे, लेकिन इसको छोड़ो देता हूँ। ये पुलर कोर प्लेट भी हमारी स्ट्रिपर की तरह चलेगी। ये गियर हो गए दोस्तों, फोर कैविटी मोल्ड बनाया है तो सेंटर से हमने इसको रोटेट किया है दोस्तों। इसका हमने मोल्ड भी बना दिया है, मतलब डिजाइन की बात नहीं कर रहा, मोल्ड भी बना दिया, चला भी दिया है और कस्टमर को भेज भी दिया है, ठीक है जी। ये रैक हो गया हमारा, ये रैक गाइड करने के लिए है। ये ड्राइविंग टीथ हो गया, तो शोल्डर बोल्ट ने रोकने के लिए। ये सिलेंडर हो गया, ये यहाँ बुश है, हार्ड बुश। कोर प्लेट, कोर इंसर्ट, ये हो गया दोस्तों। ये रैक जैसे मूव आगे जाएगी ये रोटेट करेगा, रैक इसे रोटेट करेगा, ये कंप्लीट रोटेट होगा। बियरिंग लगे हुए हैं, एक बियरिंग यहाँ है, एक बियरिंग यहाँ है, इन सब में लगे हुए हैं, ठीक है जी। ऐसे ही रोटेट होगा। ये हमारी कोर बैक है, यहाँ स्प्रिंग लगे होंगे, ये भी हमारी ऊपर जाएगी जैसे जैसे रोटेट होगा, तब ये हमारी प्लेट मूव होगी ऊपर की तरफ। ये सब समझाया जाएगा अब दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है जी। ये छोटी वीडियो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया के लिए है ताकि आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और देखें क्या चीज़ क्या ही है। कुछ डाउट हो तो पूछें, उसको मैं ब्रीफली बताऊंगा अपने अगली वीडियो में, ठीक है।
ये ऐसा सिस्टम क्यों बनाया है? क्योंकि हम इसमें, जैसे बताया था मैंने, इजेक्टर पिन लगाएंगे, ये इजेक्टर प्लेट होगी, ये मूव करेगी दोस्तों आगे, ठीक है जी। ये भी इसमें ये रिटर्न पिन बटन ना हो, ठीक है। ये रोड हो गया, ये पीछे इसके कारण ही आएगा, सपोर्ट पिलर हो गया, इजेक्टर, ये सेंटर पिन होगी, ये इजेक्टर पिन हमारे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये प्लेट हमारी आगे मूव करेगी, ताकि क्योंकि यहाँ पकड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपोनेंट श्रिंक होगा, तो यहाँ कैचिंग पावर ज़्यादा है, तो उसे निकालने के लिए हमने ये इजेक्टर प्लेट टाइप चलाई है, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।